आज यहाँ का ये जो फोटो जो है शादी करके तुमने कोर्ट मैरिज कराई रजिस्ट्रेशन कराया पार्टी भी मिल रहा था कई सारे पार्टी के काम तो सारनाथ से क्या मतलब था शुभ। देखिए ये 23 तारीख की शाम को डीसीपी बरुड़ा को कहीं से जानकारी मिली कि कुछ सिपाही राजस्थान से एक व्यक्ति शादी करने आया था, वहाँ पैसे की मांग कर रहे हैं, इनके स्तर से छानबीन कराई गई। छानबीन होने के बाद एक कहानी निकल के आई, उसमें 3 पुलिस के कर्मचारी जो कांस्टेबल हैं उनकी भूमिका पाई गई और उन्हें निलंबित किया गया और इसी प्रकरण में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गहराई में जाने पर जो कहानी निकली तो जो कथित पीड़िता थी वो स्वयं इस पूरी जालसाजी की घटना में इन्वॉल्व थी। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक वेंकटेश्वर तिवारी जो मेड़ता नागौर राजस्थान के हैं किसी दलाल के माध्यम से बनारस शादी करने के लिए आए और ये महिला जो शादीशुदा थी जिसके एक बच्चा भी 5-6 साल का है, इस महिला को अविवाहिता बता करके नोटरी के माध्यम से कचहरी में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ और एक नोटरी तैयार की गई। इसके बाद प्री प्लानिंग के तहत इस पूरी प्रक्रिया में जो दलाल लगा था उसके संपर्क इन 3 सिपाहियों से थे और उस संपर्क के माध्यम से जब एक गाड़ी में लड़की को लेकर विदा कराकर जाने लगे तो रास्ते में गाड़ी रोककर और उसने कहा कि आप लड़की भगा के ले जा रहे हैं उसकी मर्जी के बगैर, और लड़की भी क्योंकि पहले से प्लान्ड था तो सिपाही के सुर में सुर मिलाने लगी और उसने कहा कि मुझे जबरन ले जा रहे हैं। बाद में ये सिपाही इन्हें लेकर सारनाथ थाना क्षेत्र में किसी स्थान पर गए और वहाँ एकांत में गाड़ी खड़ी करके डीलिंग करने लगे और इन लोगों द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। इस बीच में जो लड़का शादी करने आया था, थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसने किसी माध्यम से सूचना पहुंचाई और उस माध्यम से सूचना डीसीपी बरुड़ा को प्राप्त हुई। तो इस तरह से पाया ये गया कि ये लड़की केवल ठगने के इरादे से शादी के लिए तैयार हुई थी और इन केस अगर ये राजस्थान चली जाती तो वहाँ से माल पानी ले करके जो कुछ उसके घर में होता वापस निकाल आती चोरी से। तो इस तरह एक घटना का अनावरण हुआ है। क्योंकि हमारे जो 3 कर्मचारी पुलिस के इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनकी भूमिका अत्यंत आपत्तिजनक है और करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस के बिल्कुल प्रतिकूल है, तो उन 3 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है ताकि जो लोग इस तरह के अवैध धंधों में लिप्त हैं उन्हें एक संदेश जाए और कानूनी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। देखिए एक सिपाही इसमें सारनाथ थाना क्षेत्र तैनात थाने पर तैनात, 2 सारनाथ में तैनात हैं और 1 जो है कर्ण थाने का सिपाही। देखिए महिला का सिपाही से सीधे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस प्रकरण में विजय जैन नाम का जो दलाल है मीडिएटर है जो साजिश के तहत राजस्थान से लोगों को बुला करके यहाँ शादी कराता है, उसका इन सिपाहियों से पूर्व से संपर्क था और महिला को सिखाया गया था लड़की को कि जब सिपाही तुम्हारी गाड़ी को रोके तो तुम उन्हीं के पक्ष में बताना कि मुझे जबरन ले जा रहे हैं। फिलहाल कोई अभिलेखीय इनके विरुद्ध अब तक कोई इस तरह का प्रकरण सामने नहीं आया था, लेकिन जानकारी करने पर इनकी आम छवि अच्छी नहीं पाई गई और 3 की छवि पहले से खराब रही।